welcome student. today we will study about a lesson from your textbook first flight. the name of the lesson is the hundred dresses part 1. the story begins with a polish immigrant's girl, wanda pentrowski, and two other girls, maddy and peggy. wanda is a simple and shy girl who always told that she had hundred dresses. But she always comes in the class wearing a single faded blue dress. So, why she says that she has hundred dresses? Let us know about it through the, this lesson. It was Monday. Wanda Pentrosky was not in her class. It was Monday, Wanda Pentroski was class in her class. ना तो पैगी ने और ना ही मेडलिन ने उसकी एबसेंस के बारे में कोई ध्यान दिया बिकॉज दे स्टार्टेड ऑल द फन विथ विथ वांडा वांडा के साथ वो मजाक किया करते थे वांडा यूज टू सीट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द रो लास्ट रो लास्ट पंक्ति में के आगे वाली पंक्ति में रूम नंबर थर्टीन में वांडा बैठा करती थी और वह उस कमरे के कोने में क्यों बैठती थी इसके बारे में किसी को पता नहीं था नॉर्मली जो क्लास के थोड़ा शरारती बच्चे होते हैं वो वहाँ पर बैठा करते थे और वह एक ऐसा स्थान था जब क्लास में कुछ भी होता था तो सबसे ज़्यादा शोर वहीं से होता था वांडा बड़ी शाही और बड़ी क्वाइट गर्ल थी बड़ी शांत रहने वाली थी सी रियली सेड समथिंग वह कभी कभी ही कुछ कहा करती थी और किसी ने भी उसे कभी भी ऊंची आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना था वो वहाँ पर बैठा करती थी यह कोई नहीं जानता था कि क्यों वो वहाँ पर बैठा करती है वो एक ऐसे स्थान पर आती थी जिसका नाम बॉगिन हाइट था इसीलिए शायद वो उस स्थान पर बैठा करती थी क्योंकि उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी या बोगिन साइट एक ऐसे स्थान पर था जहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं था बहुत रफ़ एरिया था तो इसलिए वहाँ कीचड़ उसके पैरों में सना होता था स्टूडेंट्स वांडा के बारे में केवल स्कूल के समय के पश्चात ही सोचा करते थे दे वेटेड फॉर हर टू हैव फन विथ हर गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम स्कूल होम घर जाते हुए या स्कूल में आते हुए ही उससे उसका वेट करते थे और स्टूडेंट क्योंकि वो उनके साथ मजाक करते थे वांडा मंगलवार को भी स्कूल नहीं आती थी पैडी और मैडी ने बुधवार को यानी वे को वांडा के बारे में सोचा वे अगली सीट पर बैठा करती थी वे बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सो दे गॉट गुड मार्क्स इन द क्लास पैगी स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी वो बड़ी सुंदर थी और उसके बाल करली बाल थे घुंघराले बाल थे मैडी उसकी सबसे फास्ट फ्रेंड थी वे वांडा के साथ मजाक करना चाहती थी इसलिए वह स्कूल को देर होगी, लेट होगी। इस कारण से उन्होंने देखा कि वांडा क्लास में अप्सेंट थी वो उस कमरे में अधिक बच्चों के नाम वांडा की तरह नहीं थी उनके अमेरिकन नाम थे जैसे थॉमस स्मिथ एलन एक लड़का बिली बाउंस नाम का था लोग सोचते थे कि वह बड़ा मज़ाक किया था परंतु वह वांडा पेंट्रस्की की तरह मजाक उड़ाने योग्य नहीं था वांडा के कोई फ्रेंड नहीं थे वह हमेशा एक एक सिंगल ब्लू फेडेड ड्रेस में जो बड़ी ढीली हुआ करती थी उसे पहन करके आती थी बट इट वाज क्लीन बट लुक्ड एज इफ इट हैड नेवर बीन आयरेंड कभी उसमें प्रेस नहीं की गई थी ऐसा लगता था और अधिकांश लड़कियां उससे बात किया करती थी वे स्कूल के यार्ड में उसे घेर लेती थी और वह उन्हें हॉफ स्कॉच एक तरह का खेल खेल खेलते हुए देखते खड़ी रहती थी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती वह उससे पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं कितनी ड्रेसेज हैं तो वांडा उत्तर देती एक सौ पोशाकें वन हंड्रेड ड्रेसेस तो इस पर सारी लड़कियां खेलना बंद कर देती थी और सुनती थी और फिर लड़कियां उससे उनसे पूछती थी कि ये वो सभी क्या सिल्क की या वेलबेट की थी तो वांडा उत्तर देती थी यस हाँ वे वांडा से आगे पूछती थी कि उसके पास जूतों के कितने जुड़े हैं शूज़ कितने हैं तो वांडा उत्तर देती थी सिक्सटी पेयर्स और तब सारी लड़कियां हंसने लग जाती थी पैगी वॉज नॉट क्रिअल सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन्स फ्रॉम बुलीज़ तो इतनी वो बुरी नहीं थी इतनी निर्दयी नहीं थी पैगी वो जो शरारती बच्चे थे उनसे छोटे बच्चों को बचाती थी यदि कोई उससे पूछता कि क्या उसने वांडा के साथ कभी क्यूरल्टी से बिहेव किया है तो वो तो अलग उत्तर देती थी भिन्न रूप में उत्तर देती थी वो कहती थी कि वांडा ने अपनी हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में क्यों कहा वो कहती है कि वांडा एक साधारण व्यक्ति नहीं थी उसका नाम यह बताता था परंतु जो गर्ल्स थी उनने कभी भी वांडा को चीखने चिल्लाने पर के लिए मजबूर नहीं किया था मैडी फेल्ट इट बैड दैट दे हैड बीन बॉदरिंग वांडा लाइक दैट कि जिस तरीके से उसे परेशान करते थे तो मैडी को अच्छा नहीं लगा अच्छा अनुभव नहीं किया था उसने इसलिए था कि वह स्वयं भी वांडा की तरह से कभी पुअर थी परंतु वांडा की तरह वह न तो बोगिन हाइट में रहती थी न ही उसका नाम वांडा जैसा कुछ अलग या मज़ाकिया था जब पैगी ने वांडा से भी प्रश्न पूछे तो मैंडी ने बुरा महसूस किया उसने अपने हाथ में जो उसके मार्बल्स थे उनको चेक करने लगे यानी उसका ध्यान इधर उधर करने के लिए परंतु उसने वांडा के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं किया वो चाहती थी कि पैगी वांडा से पोशाकों या ड्रेसेस के बारे में पूछना बंद करे वह पैगी की सबसे फास्ट सबसे नियरेस्ट फ्रेंड थी उस दिन पैगी और मैडी दोनों स्कूल से लेट हो गए थे मैडी खुश थी कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया वह अपने मैथ्स के अपने प्रश्नों को हल कर रही थी उसके अंदर पैगी को वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहने का हौसला नहीं था इसलिए वो पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखना चाहती थी मैडी ने पैगी को एक नोट लिखना आरंभ किया अचानक वह कहाँ उठी उसने स्वयं को स्कूल आंगन में पैगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बनते हुए देखा वो इमेजिन करती है पैगी उसे उसकी ड्रेस के बारे में पूछ सकती थी वह कहती थी है कहती कि वह पैगी की पुरानी ड्रेसेज में से एक है उसकी माँ ने उसे ठीक कर दिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे मैडी ने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो उसने लिखा था उस पेपर के टुकड़े कर दिए फाड़ फाड़ डाला वो पैगी की गहरी बहुत सहेली थी उल्फास्ट फ्रेंड थी सारे कमरे में पैगी को सबसे अधिक अधिक पसंद किया जाता था वह सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत है मैडी ने तब वांडा के बारे में सोचा वह किसी से भी कभी कोई बात नहीं कहती थी उसने सिर्फ हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में कहा था मैडी को उस द्वारा उसकी पोशाकों में एक पीली नीली रंग रंगीन सजावटी वाली पोशाक के बारे में बताना याद था उसके पश्चात मैडी ने सोचना आरंभ कर दिया कि कौन ड्राइंग और कलर का कांटेस्ट जीतेगा उसने सोचा कि पैकी लड़कियों का मेडल जीतेगी क्योंकि उस रूम में रूम नंबर थर्टीन में उसकी सबसे अच्छी ड्राइंग हुआ करती थी वे सभी उस बारे में अगले दिन जान जाएंगे नेक्स्ट डे स्कूल में जब वो जाते हैं तो बाहर हल्की बूंदाबांदी बारिश होती है पैगी और मैडी ने वांडा की का वेट नहीं किया वे स्कूल में लेट नहीं होना चाहते थे वे क्लास के कमरे में गए सारे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी वे चमकीले रंगों की थी तो इतने में विनर्स की घोषणा होने वाली थी क्लास गैदर हो गई मिस मैसन जो उनकी टीचर थी उसने विजेताओं की जो विनर्स थे उनकी घोषणा की तो उसने कहा कि जैक वेगल्स ने लड़कों के लिए यह कॉन्टेस्ट जीता उसने बोर्ड के ऊपर लगी मोटर की ड्राइंग बनाई थी रूम नंबर ट्वेल्व में ड्राइंग एग्जीबिशन की लगाई गई थी प्रदर्शन के लिए लगाई गई थी फिर वो आगे बोलती हैं जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न है लड़कियों ने लड़कियों की तरफ से जो विनर है वो वांडा थी बट उस दिन वांडा अपसेंस थी मिस मैसन ने बच्चों को वांडा की बहुत सुंदर ड्राइंग को देखने के लिए कहा ड्राइंग देखकर बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और लड़के भी इंजॉय करने लगे द बॉयज़ विसील्ड विथ फिंगर्स इन देयर माउथ सीटी बजाने लगे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज एक्चुअली वो उन ड्रेसेज में उनका इंटरेस्टेड नहीं थे मैडी ने पैगी को नीली ड्रेस को देखने के लिए कहा विस्परिंग करी वांडा ने पहले इन्हें इनके बारे में बताया था पैगी ने ग्रीन ड्रेस की तरफ से इशारा किया उसने कहा कि वो सोचती थी कि वो ड्राइंग बना सकती थी तो इस तरीके से यह आधा पार्ट इसका कंप्लीट हुआ जिसमें आप नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि किस तरीके से आ, वांडा ने ये ड्राइंग बनाई हुई थी और तब वो क्यों कहती थी कि इसके पास हंड्रेड ड्रेसेज हैं तो मुझे होप है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी तो इसके लिए इसके एंड में आपके एक्सरसाइज के लिए दो पैसेज दिए गए हैं पैसेज नंबर वन से कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन वाज जबसेंस अप्सेंट ऑन मंडे मंडे को कौन अप्सेंट था वाई वॉज हर अपसेंट नॉट फेल्ट उसकी अपसेंट को किसी ने महसूस नहीं क्यों क्यों नहीं किया तो आंसर सीधा सा है कि वांडा पेट्रॉस की वॉज अपसेंट एंड हर अपसेंस वॉज नॉट फेल्ट बिकॉज ही वॉज अ क्वाइट गर्ल बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की थी नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इन द क्लास वन डा यूज टू सेट वांडा कहाँ बैठा करती थी वनडा यूजली सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो ऑफ द रूम नंबर थर्टीन आंसर ये होगा थर्ड क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ बॉयज सेट अराउंड हर उसके चारों तरफ किस तरीके के लड़के बैठा करते थे तो आंसर नॉइजी एंड रफ बॉयज हु डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स सेट अराउंड हर वो बड़े शोर शराबे वाले शरारती बच्चे जो हमेशा कोई क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे वो उसके चारों तरफ बैठा करते थे क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वांडा दूसरी लड़कियों से अलग कैसे थी तो आंसर आप लिख सकते हैं किसी वॉज डिफरेंट बिकॉज अदर लाफ्ड एंड सम रोड विथ लाफ्टर वो अलग इसलिए थी क्योंकि दूसरे हंसते थे और कुछ हंसी के ठह लगाया करते थे लेकिन वह शांत रहती थी लास्ट क्वेश्चन विच एक्सप्रेशन इन द पैसेज मीन्स नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड तो किस uh, इस पैसेज में किसका अर्थ है शोर या जमीर पर पाँव घिसटने गिस, से संबंधित है तो आंसर एक है uh, आप इस पैसेज में देखिए स्कफलिंग ऑफ फीट तो आंसर इसका है स्कफलिंग ऑफ फीट नेक्स्ट पैसेज पैसेज नंबर टू टू इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर पैगी एंड मैडी मैडी और पैगी कौन थे आप जानते हैं मैगी एंड पैडी वर क्लासमेट एंड व्हाट आर देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर एक दूसरे में कैसा उनका रिलेशन था देवर क्लोज फ्रेंड्स बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड दे सेट इन द क्लास वे क्लास में कहाँ बैठा करते थे आंसर हुआ दे सेट इन द फ्रंट विथ चिल्ड्रंस हु स्कोर्ड गुड मार्क्स वो उन बच्चों के साथ बैठा करते थे जो अच्छे अंक प्राप्त करते थे क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई वर दे लेट टू स्कूल ऑन वेनजे वेनसडे को उन्हें देर क्यों हुआ था स्कूल आने के लिए आंसर दे वर वेटिंग ऑन देयर वे टू स्कूल फॉर वांडा हु डिड नॉट टर्न अप तो वो उस दिन स्कूल के रास्ते में वांडा का वेट कर रहे थे लेकिन वो नहीं आई इसलिए उसे लेट हो गया नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेसन टू हैव फन विथ हर एम्प्लाय हर उसके साथ छेड़छानी छेड़छानी या मजाक करने का भाव किस शब्द में है तो आप यहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा हीप्लायज दैट दे वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ वांडा एंड एन्जॉय दमसेल्फ तो वे वांडा से मजाक करना चाहती थी और अपना मनोरंजन करना चाहती थी तो आप इस तरीके से इनके आंसर दे सकते हैं उसके बाद इस लेसन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपको आंसर दिए आंसर भी उनके दिए गए हैं तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं चले मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट द दे हंड्रेड ड्रेसेज पार्ट सेकेंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में